दिल्ली एनसीआर की तपती गर्मी और उसमें भी लाइट नहीं। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 73 में हूँ और यहाँ पर पावर कट की समस्या सबसे ज्यादा विकराल बनी हुई है। इस पर बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? पिंकी। कितने यहाँ पर कितनी देर के लिए बिजली जाती है रात में? रात में लाइट बार बार आती जाती रहती है, कभी कभी जल्दी आ जाती है, कभी कभी काफी टाइम रह जाती है। कल रात में अभी पूरी रात लगभग लाइट नहीं रही है। अच्छा, पूरी रात लाइट नहीं आई? लगभग आई है, चली गई है, फिर एक तरफ तो एक फेस का तो पूरा गायब था। हमारी तरफ तो आ भी गई, उधर के लोगों का बिल्कुल नहीं आई। अच्छा, तो ये क्या फेस जैसे बता रही है कि ट्रिपिंग भी हो रही है? हाँ, है ना। आपका नाम क्या है? गीता राय। तो ट्रिपिंग भी इस दौरान क्योंकि लोड बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, एक घर में तीन तीन चार चार एसी पड़ रहे हैं और अचानक से गर्मी बढ़ी है, ये भी एक बड़ा कारण है पावर कट का। हाँ, तो हम लोग भाई थोड़ा तो एसी तो अभी घर में दो दो तीन तीन तो चल ही रही हैं, लेकिन थोड़ा सा सबको अपने हिसाब से चलना चाहिए। थोड़ा एसी को उतना ना चलाओ जितना कि मतलब ट्रिप करे है वो, लेकिन कहाँ गर्मी इतनी पड़ रही है तो जनता तो परेशान है गर्मी से। तो बच्चों पढ़ाई हो रही है आजकल इतनी गर्मी में? जब रात में पढ़ाई करते हैं आप लोग? सुबह में करते हैं जब लाइट, सुबह में करते जब लाइट आती है। तो कितनी देर के लिए जाती है लाइट, ये समस्या क्या? एक लाइट आती है मगर बार 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 कट होती रहती है। अच्छा, हाँ आ जाएगी, कभी कभी थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए जाती है पर बार बार कटिंग होती है। अच्छा, ये समस्या इधर ज्यादा हो रही है। अच्छा, जब से गर्मी ज्यादा शुरू हुई है तब से ज्यादा हो रही है। मतलब तीन चार दिन से समस्या बढ़ी है या इससे पहले भी थी? नहीं, समस्या थी लेकिन इधर बीच और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस है, इस दौरान पावर कट की समस्या भी बनी हुई है और नोएडा के सेक्टर 73 में लोग सबसे ज्यादा परेशान है। सोसाइटीज में रहने वाले लोग भी परेशान है, रात रात भर बिजली नहीं आती है। लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि घर में अगर कोई बीमार हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है इस पावर कट के दौरान, क्योंकि रात में इतनी 45 डिग्री का जब तापमान हो, सोचिए अगर लाइट ना हो तब क्या करेंगे आप। कैमरा पर्सन विपुल के साथ में शालिनी बाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।